हेलो दोस्तों, टेक्निक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और हेल्पफुल भी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम फाइबर केबल जो होती है उसे चेक करना सीखेंगे, वो भी विदाउट किसी डिवाइस के। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइबर केबल में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो लाइट के फॉर्म में होता है, तो हम इसी की हेल्प से इसको चेक करना सीखेंगे। तो आपके सामने ये एक फाइबर केबल है। अब मैं इसमें जो ये है येलो साइड है, इसको ओपन करता हूँ दोनों साइड से। उसके बाद अब आप देखना कि मैं एक तरफ लाइट दूंगा और वो दूसरी तरफ लाइट को मैं देख पाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक एंड पे इसमें लाइट देता हूँ तो दूसरे एंड पे वो लाइट मुझे दिखाई देती है। अगर ये केबल ख़राब होगी या बीच में से ब्रेक होगी तो ये लाइट मुझे नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसमें एक फाइबर की बहुत पतली तार होती है जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट होके मुझे शो होती है। तो अगर ये बहुत दूर तक, ये बहुत दूर तक चेक कर सकते हैं। तो अगर हमें इसमें लाइट दिखाई दे रखी है, आप इसका लेज़र लाइट जो होती है उसका यूज़ कीजिए इसमें, उससे हम अच्छे से देख पाते हैं इसको। छोटी केबल है तो आप फ़ोन की टॉर्च वगैरह से भी देख सकते हैं, और अगर लेंथ में लंबी है तो आप लेज़र लाइट का यूज़ कीजिए, तो आपको एक एंड से दूसरे एंड पर लेज़र लाइट दिखाई देगी। अगर वो दिखाई देती है इसका मतलब आपकी केबल ठीक है, और अगर नहीं दिखाई देती इसका मतलब आपकी केबल ख़राब है या कहीं से ब्रेक है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।